नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी हाँ, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और हम जुड़ चुके हैं शून्य से शिखर तक एक फाउंडेशन बैच में, जहाँ मेरे दोस्तों आप सभी लोगों को आज मैं डिस्कस कराने वाला हूँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का डे टू है और कल हम लोगों ने शुरुआत करी थी और आज यहाँ पर कुछ कह सकते हैं यहाँ पर क्या चटपटे क्वेश्चन के साथ आप सभी लोग के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। तो आई होप कि आप सभी को आज का सेशन काफ़ी पसंद आएगा और काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहने वाला मेरे एंड। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बैच हमारा जो है आपका लाइक करंट अफेयर्स का, ठीक है, जिसकी कीमत यहाँ पर 539 करीबन पड़ रही है गाइस। अगर हम बात करें ये बैच हमारा जो मेंस का है, जो एसबीआई क्लर्कल मेंस के लिए है, ये आपका 759 का पड़ रहा है। कब? अब अगर आप डिस्काउंट के लिए कोड यूज़ करते हैं Y261, किसी भी कुछ भी प्रोडक्ट परचेज करना हो आप यूज़ कर सकते हैं Y261 कोड मेरे दोस्तों, क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेल है यहाँ पर बुक्स के लिए। बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर सुप्रीम आप सभी लोगों को, ठीक है ना। सुप्रीम में 8 बुक्स हैं, अभी 1159 करीबन का पड़ रहा है। कब? जब आप कोड यूज़ करोगे, समझना इसका कोड अलग है Y261S। आपको मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि पज़ल और DI की भी अगर आप नहीं ले रहे हो तो पज़ल और DI की बुक आप ले सकते हो। NICL का आपका बुक यहाँ पर बना हुआ है, वो वहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तमाम तरह की बुक्स हैं और जो आपके लिए बढ़िया आप वो वहाँ पर चूज़ करिए, लेकिन कोड यूज़ करिए Y261। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, सीधे यहाँ पर एजेंडा में बात करते हैं, क्या हमारा एजेंडा है। आज के एजेंडा में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मिक्स सीरीज़ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो थोड़ा सा अपग्रेड करेगा अपने लेवल को तो वो कहीं ना कहीं जो मैं आप सभी को देने वाला हूँ इस लेवल पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए गाइस आगे की तरफ बढ़ते हैं, आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइस यहाँ पर आज का जो सेशन हमारा है आपका डे टू है चुकी है, ठीक है, जहाँ पर हम फिर से डिस्कस करने वाले मिक्स सीरीज के क्वेश्चंस, जहाँ आपको मैंने कहा ना कि लेवल थोड़ा सा आप मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फोर डिजिट बेस और यहाँ पर फोर लेटर बेस क्वेश्चंस मेरे दोस्तों, ठीक है ना। फोर डिजिट फोर लेटर, और हम बात करेंगे आज पेयरिंग वाले क्वेश्चंस की भी गाइस। पेयरिंग वाले क्वेश्चंस की भी बात हम यहाँ पर आप सभी से करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यलगार हो। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख दीजिए यलगार हो। बिल्कुल बता दूँ आप सभी लोगों को कि रिजल्ट आ चुका है IDBI का, ओके। तो आई होप कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम कहीं ना कहीं ये दिया होगा, भरा होगा, उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव हो। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव हो, यकीनन रिज़ल्ट पॉजिटिव हो। और IDBI एग्जीक्यूटिव का रिज़ल्ट आपका चूंकि आज खुला है, तो बहुत सारे कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीदवार थे जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था, और देखना होगा कि वो किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर पाए हैं। रिज़ल्ट आपका मायने रखता है, याद रखिएगा, रिज़ल्ट आपका मायने रखता है, कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप करता है, क्योंकि किसी की उड़ान सीमित नहीं रहती है, वो आगे ही बढ़ने के लिए यहाँ पर उठता है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने आज IDBI एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई किया तो लाजमी सी बात है कल आप और भी प्रिपरेशन करने वाले हो। अगर आप RRB का क्लर्क क्वालिफाई करते हो तो लाजमी सी बात है PO के लिए क्वालिफाई कर प्रिपरेशन करोगे। तो ये जो उड़ान है ना जो आपने शुरू की है, तो भाई साहब इसको यहाँ पर क्या नहीं करना है, रुकने नहीं देना है। ये जो उड़ान है ना इसको रुकने नहीं देना है। अगर आपने उड़ना सीख लिया है, देखो दो स्टेज क्या होती है, प्राइमरी स्टेज होती है, जब हम उड़ना सीखते ही नहीं, उड़ना जानते नहीं है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, उड़ने के लिए वहाँ पर एक्साइटेड रहते हैं, हम सीखते हैं, और जब धीरे धीरे सीखने उड़ने लगते हैं तो और ऊंचाई तय करते हैं। क्या उड़ने के बाद क्या ज़मीन पर रहने में मज़ा आएगा? नहीं। जब आपके पास आ चुका है सब कुछ, तो आपको वहाँ पर एक्सपीरियंस भी मिल चुका है, तरीका भी मिल चुका है, एक रूट मिल चुका है, तो अब तो ऊंचाई पर आपको जा कर के उड़ना है। ये हमारे और आपके लिए एक उद्देश्य होना चाहिए। और याद रखिएगा कि आपकी अगर उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आप डिस्परेट होना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है ना, डिस्परेट होना पड़ता है, याद रखिएगा, अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के सेशन में दोस्तों, और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। उड़ते उड़ते अगर स्पेस पर चले गए तो क्या होगा? बहुत बढ़िया, मतलब यार पूरा साइंस तुमने यहाँ पर पूछ लिया है, इसका जवाब ही नहीं मेरे पास यार, है ना। चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और याद रखिएगा एनालाइज करके उसका आंसर देंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, काफी अच्छा सेशन रहने वाला है आज का।
टन, जल्दी से मेरे को आप कमेंट कर देंगे। और आज आरआरबी पीओ मेंस की परीक्षा है, मतलब मुख्य परीक्षा है, और ज़रूर जुड़े आप सभी लोग। एनालिसिस होगा, ज़रूर जुड़े। पता चलता है कि आखिर एनालिसिस से पता चलता है आखिर कि पेपर का रुख कहाँ गया, मतलब कि पेपर का रुख किस दिशा की ओर है, क्या कैसा आता है मेंस। तो जब आपको फाइनली पता है कि मेंस से ही भला होगा, तो आपको अभी से अपनी वेल प्लानिंग करनी होती है, ठीक है ना। जब आप बचपन में अगर हम बात करी जाए, तो आपसे पूछा जाता है ना कि भाई क्या बनोगे, तो वो कहता है डॉक्टर बनेंगे, है ना, वो कहता हम पुलिस वाला बनेंगे, कहता हम इंजीनियर बनेंगे। तो आप अब धीरे धीरे जिस फील्ड के लिए आप उत्सुक हैं, तो उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। डॉक्टर्स ये, डॉक्टर्स वो, मैं रेसर बनूंगा, है ना, मैं बाइकर बनूंगा, तो आप जानना उस दिशा में शुरू करते हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर अपने एग्जाम को देख रहे हैं कि नहीं मुझे क्वालिफाई करना है, नहीं आओ, तो आप लोग क्या करेंगे वहाँ पर, ये भी देखेंगे कि भाई किस तरीके से किया जाता है, प्री क्या होता है, मेन्स क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। भले ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करेंगे, लिखते जाएंगे कि हाँ इसके लिए ये चीज़ जरूरत होती है, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, कह रहा है द फर्स्ट 12 एलिमेंट्स आर रिवर्स फ्रॉम लेफ्ट एंड लास्ट 12 एलिमेंट्स आर रिवर्स फ्रॉम राइट एंड फाइंड द 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर ऐसे क्वेश्चन को अगर देख पा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट 12 जो आपके राइट से हैं, फर्स्ट 12 जो आपके लेफ्ट से, दोनों को यहां पर क्या करना है भाई, 12 जो है आपका यहाँ पर एलिमेंट, ये लेफ्ट से रिवर्स होगा, ठीक है। और चूंकि तुम्हें चाहिए कहां से, राइट से चाहिए है, तो गाइस यहां पर आप जो राइट से चाहिए 15, तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से क्या होगा, रिवर्स होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से रिवर्स होगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये आया दोस्तों कि जब आपको चाहिए क्या ओवरऑल राइट एंड से, आपको यहां पर क्या 15 फ्रॉम द राइट एंड चाहिए, तो भाई आप देखो यहां पर 3 3 6 3 9 3 12, तो ये हो चुका था, 12 आपने पहले गिन लिया। 12 के बाद सुनना, चूंकि अब क्या करेंगे हम लोग कि जब इसको उलट दिया गया है, ये पार्ट को यहां और ये पार्ट को यहां कर दिया गया, उलट दिया गया है, अब जो तुम्हारा राइट एंड हो गया है वो यहां से शुरू होगा। अगर मान लीजिए वो कहता बताओ सातवां एलिमेंट कौन होगा, अगर वह कहता राइट से सातवां एलिमेंट क्या होगा, तो दोस्तों आप पता क्या बताते, ये बताते 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या होता, जेड होता, क्योंकि सर जी जब राइट से 12 एलिमेंट को पलट दिया गया, तो भैया यहां पर क्या जो आपका 7 है अब वो राइट एंड में पहुंच चुका है। तो गाइस हमको चूंकि बताना क्या राइट से 15, तो कहां से करेंगे, ये तो पूरे आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। अब 12 के बाद ये क्या हो गया 13, क्या हो गया 13। अब 13 के बाद यहां पर इसे मत गिनना 14 15, कहां से गिनना, यहां से 14 और यहां पर क्या हो गया 15। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, दूसरा वाला, डॉलर वाला एकदम सही आंसर हो गया। तो याद रखिएगा, जब आप रिवर्स कर देते हैं चीजों को, जब आप रिवर्स कर देते हैं चीजों को, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करके वहां पर देखना होता है, नहीं तो गलतियां होती हैं महाराज, क्या होती हैं, गलतियां होती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं, गलतियां होती हैं। डन, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आंसर हमारा डन, यहां पर क्या हो गया डॉलर, आंसर क्या हो गया हमारा डॉलर, सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है, डन। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए, क्लियर है बात की नहीं यहां पे। तो चलिए अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर ये रहा, सभी को क्लियर हो गया ना, बढ़े आगे। गुजारिश करूंगा सेशन को शुरू करने से पहले, प्लीज सेशन को थोड़ा सा यहां पर चमका दीजिए, और प्लीज यहां पर जहां आपको समय मिले, मौका मिले, दस्तूर मिले, ठीक है ना, याद रखिएगा कि आज बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक से हम लोग गुजरने वाले हैं, ठीक है ना। प्लीज इसको शेयर कर दीजिए सेशन को, क्योंकि आज का सेशन बहुत बड़ा सेशन नहीं है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, क्योंकि आपका एनालिसिस भी लगा हुआ है, वहां पर भी डिस्कशन होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा यहां पर कि आप लोग आज मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊंगा जो कहीं ना कहीं आपको किसी ने दिखाई ना होगी मेरे भाई, क्लियर है, मजे आने वाले, बहुत शानदार क्वेश्चन है। शुरू करें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी, कब होगा एनालिसिस भाई, आज ही होगा, अभी 11:45 से स्टार्ट होगा, सबको जुड़ना है। बिहार के बंधन यूपीएससी में आग लगा दी, वाह क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया।
सो चलिए गाइस यहाँ पर इस प्रश्न की बात करते हैं। अरे लाल गोपाल, आंसर सही देने का, आंसर से कोई भी भाई साहब वहां पर पंगा नहीं लेने का, ठीक है। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस, मैं कहा किसका, कहता है बिटवीन, मैं कहा किसके बिटवीन, क्यूब ऑफ द नंबर विच इज एट फ्रॉम द राइट। अब कह रहा है क्यूब ऑफ द नंबर विच इज एट फ्रॉम द राइट एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर विच इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो आई होप कि यहां पर आंसर आ रहा है लोगों का। ओहो क्या बात है, 39 39 39। तो यहां पर क्या कहा गया है कि विच इज एट फ्रॉम द राइट एंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये हो गया, तो 4 का स्क्वायर यहां पर कितना हो गया, एक तो 16 हो गया। और फिर यहां पर कह रहा है क्या कि एंड द विच इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर क्या हो गया आपका 25 हो गया। यही हुआ कि नहीं हुआ यहां पे, यही हुआ। अब इनका अगर यहां पर करेंगे तो कितना हो रहा है, यहां पर 5 6 5 11 आंसर लगाई, 1 2 3 1 4। कितने लोगों ने आंसर ये वाला दिया प्लीज ये बता दीजिए, कितने लोगों ने आंसर ये वाला दिया मुझे ये बता दीजिए। अरे बताओ कितने लोग आंसर ये आया है, हाँ कितने लोग आंसर ये आया। मेरे दोस्त याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन में आप यही गलती कर देते हो, यही गलती कर देते हो। बहुत अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया से समझना। लोग इसको नन ऑफ दीज लगा के चले भी आते कि नन ऑफ दीज होगा, डन 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 डन, क्लियर हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए क्या हो गया यहाँ पर, अच्छा डिफरेंस उसने कहा था कितना हो गया यहाँ पर, 9 हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा क्यूब उसने बोला था, ओ ओ ओ, जस्ट वेट जस्ट वेट, मुझे वहां पर प्लस कर दिया और स्क्वायर ही मैंने कर दिया, वेट वेट वेट, बिटवीन क्यूब ऑफ द नंबर विच इज 8 फ्रॉम द राइट, रुक जाओ, आपका क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया, और इसका क्यूब अगर देखा जाए तो कितना हो गया 64, मैंने वहां पर स्क्वायर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, और फिर यहां पर कह रहा है कि 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो यहां पर हमारा क्या हो गया 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 5। इसका क्या देखना है हमको, स्क्वायर देखना है, कितना हो गया 25 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 में से 5 यहाँ पर क्या 9, क्लियर है। 5 में से 2 यहाँ पर कितना आपका यहाँ पर 39, क्लियर है। यहाँ पर आंसर कितना है 3 आपका, 39 वुड बी द आंसर, 39 वुड बी द आंसर, ठीक है ठीक है। हाँ क्यूब था वहाँ पे, वहाँ पर हम भावनाओं में बह के वहाँ पर स्क्वायर की तरफ नैया को बढ़ा दिया गया। अब जब नैया बढ़ ही गया है तो फिर से गलती करेंगे, तो उसको काम करना है, उसको सीखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कम ऑन एवरीबडी फटाफट करेंगे। हाँ एक कह रहे हैं सर जो है क्या बोलते हैं हिंदी पढ़िए प्लीज, ठीक है ना, ओके हिंदी वालों का थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है, ओके 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 ओके, मैं हिंदी में यहाँ पर इसको हटा देता हूँ कि भाई हिंदी को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर हिंदी शायद मिस्टेक हो गई है, गूगल ट्रांसलेट ने आज धोखा दिया है, ठीक है ना। कहा गया था यहाँ पर कि दाएं से आठवां जो एलिमेंट है उसका क्यूब और बाएं से जो छठवां एलिमेंट है उसका स्क्वायर, इनके बीच डिफरेंस क्या होगा। तो यहाँ पर गूगल माता ने क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे काम करते हैं। जब कभी भी इन हिंदी में आपको लगे तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, हाँ हिंदी के अकॉर्डिंग अगर वहां पर क्वेश्चन को निकाल लें तो आपका जो आंसर वहां पर आएगा, अगर पिछले वाले का अगर हिंदी के अकॉर्डिंग अगर आंसर निकाले लाओ, उनको भी मतलब मैं कर दूं कि भाई उन्होंने अगर किया है तो उनका आंसर क्या आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सिंपल है यार, अगर हिंदी के अनुसार उन्होंने निकाला होगा तो यहां पर आप देख पा रहे हैं घन करना है, तो 4 का यहां पर क्यूब 64 हो गया, ठीक है ना। और यहां पर 5 का क्यूब अगर देखा जाए तो यहां पर कितना 125 हो गया। तो 125 और 64 के बीच जो भी अंतर आ रहा है भाई हम यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लिख देते हैं भाई, ठीक है ना। और यहां पर 6, तो हिंदी के अकॉर्डिंग यहां पर 61 आ रहा है, 61 आ रहा है, लिख देते हैं यहाँ पर। तो हिंदी वालों का आंसर 61 होगा तो आपका सही है, और इंग्लिश वालों के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आ रहा है, ये भी सही है, ठीक है। दोनों को मैंने यहाँ पर ले लिया भाई, ठीक है ना, किसी को निराश नहीं करेंगे। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका, हाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, खुश हो हिंदी के अकॉर्डिंग लिख दिया, कोई बात नहीं यार, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए गाइज यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट सीरीज ऑफ द एलिमेंट इन गिवन सीरीज 7th फ्रॉम लेफ्ट। अब 7th फ्रॉम लेफ्ट देखो 1 2 3 6 और ये 7, और n का वैल्यू क्या होता है प्लेस वैल्यू, दैट इज 14, दैट इज 14। और कह रहा है एंड 13 फ्रॉम द राइट एंड, और 13 फ्रॉम द राइट एंड यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है 16। P का वैल्यू कितना होता है 16, तो 14 और यहाँ पर क्या, यही तो उसने कहा है, योग उसने कहा है ना हम लोगों से, तो ठीक है ठीक है ओके।
सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, एन हो रहा है, दैट इज 14 हो गया, ठीक है। एंड 13 फ्रॉम द राइट एंड, तो यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यू हो रहा है, दैट इज यू, ठीक है ना, यू हो रहा है। तो यू को वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर 21। प्लेस वैल्यू जो है आपको ए से लेकर के जेड तक याद होना चाहिए, जैसे कि उसने कहा प्लेस वैल्यू का यहां पर क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा। तो दोनों का प्लेस वैल्यू निकाला और हमने यहां पर कितना कर दिया, दैट इज 35, 35 वुड बी द आंसर। क्लियर है बात की नहीं यहां पर? अगर प्लेस वैल्यू नहीं आता है तो वहां पर आप क्या करोगे भाई, एबीसीडी लिख करके वहां पर नंबर सबका निकाल लोगे, हां ये गलती मत करिएगा। प्लेस वैल्यू और एक चीज और बोलूंगा, अपोजिट, ये दोनों रटे होने चाहिए, अपोजिट और प्लेस वैल्यू दोनों रटे होने चाहिए। क्लियर है बात की नहीं यहां पर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Come on everybody. करेंगे अपोजिट बेटा, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, एम का अपोजिट एन, इस तरीके से अपोजिट क्या करना, ए बी सी डी होती है, 13 यहां लिखना और 13th जो एलिमेंट है दैट इज एम, और 13th यहां लिखना और M के बाद शुरुआत करना यहां N O P Q और Z तक, या आमने सामने जो भी आएंगे ना वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है? आई होप यू गॉट द आइडिया, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी यहां पर जुड़े हुए हैं अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने फेसबुक में, जहां 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 जुड़े हों, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट, कहता है इफ एवरी थर्ड एलिमेंट इज डिलीटेड, कहता है प्रत्येक तीसरा एलिमेंट अगर डिलीट कर दिया जाए तो फाइंड 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो बताना है यहां पर कि 15वां कौन सा एलिमेंट यहां पर होगा। अब चूंकि हर एक तीसरा उड़ाया जा रहा है तो आपको दो के बाद यहां पर अगला काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो 15 बताना है यहां पर क्या, 2, 2, 4, अब ये अपने आप छूट जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और यहां पर 2, 10 और 2, 12 और यहां पर क्या हो गया 13। सो गाइस यहां पर हमारा क्या आंसर बन रहा है, क्योंकि उसने कहा यहां पर कौन सा 13 और यहां पर क्या हो गया 14 और यहां पर क्या हो गया आपका 15, यही तो हो रहा है ना भाई, क्योंकि यहां पर उसने क्या 15th एलिमेंट का है, हर दूसरा छोड़ना है। तो 2, 2, 4 एक बार और चेक कर लेता हूं, 2, 2, 4, 2, 6 और यहां पर 2, 8, 8 और 2, 10, 10 और 2 यहां पर 12, 12 के बाद यहां पर 13, 14 और यहां पर क्या हो गया ये 15वां। तो इसका मतलब जो आंसर हमारा हुआ ये कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, यहां पर दूसरा वाला चौथा सही है, क्योंकि यहां पर आपको हर तीसरा एलिमेंट हटाना था, मतलब काउंट नहीं करना था। तो विकल्प हमारा दूसरा बिल्कुल यहां पर क्या सही है। कैसे करेंगे आप इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जब आपका फिंगर उस पर्टिकुलर यहां पर डेस्कटॉप में होगा, ठीक है, स्क्रीन पर होगा, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि वहां पर आपको हर तीसरा काउंट नहीं करना है, आप आसानी से कर सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 इस तरीके से आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। डन, आगे की तरफ बढ़ जाए। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा है, बताएंगे आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। करेंगे फटाफट, सोच समझ के करना, गलती हो जाएगी इसमें, ठीक है। आशीष सर क्लास कल होगी, डोंट वरी, ठीक है, आज नहीं हुई है क्योंकि उनके यहाँ कुछ कैजुअलिटी हो गई है, ठीक है, अदरवाइज आशीष सर तो हमेशा सेशन लेते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं, याद रखिएगा। तो अगर हम किसी के सुख में हैं तो दुख में भी उसके साथ हमको रहना चाहिए। करेंगे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ओके गाइस, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अब मुद्दे की बात यहां पर यह आती है दोस्तों, इस क्वेश्चन में लोगों ने यहां पर क्या किया, क्या कहा है सुन लो भाई, निम्नलिखित में कौन सा उपरोक्त व्यवस्था के दाएं छोर से 9वें, के बाएं से 8वें, के दाएं 15वां है। सर ये तो तीन तीन चीजें हो गई, जो आपने पढ़ाया था तो केवल दो ही पढ़ाया था, कि अगर मान लीजिए लेफ्ट से 12वें के लेफ्ट अगर मान लीजिए 5th एलिमेंट कौन सा होगा, तो आपने कहा था कि सेम क्या होता है, लेस होता है, तो सर हम वही करना सीख गए, लेकिन यहां तो तीन है, अब क्या करें। मैं कहा दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है,
आपको क्या करना है वो चीज सुनिएगा गौर से, ठीक है। आप लास्ट में जाएंगे बिल्कुल, जहां आप देख पा रहे हैं क्या, जैसे कि लास्ट इंग्लिश में लास्ट से शुरू करेंगे, इंग्लिश में लास्ट से शुरू करेंगे, कैसे समझना, नाइन्थ फ्रॉम राइट एंड लिखा हुआ है यहां पर, नाइन्थ फ्रॉम राइट एंड लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है, क्लियर है। अब यहां पर फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एट्थ टू द लेफ्ट, क्या लिखा, एट्थ टू द लेफ्ट, बस रुक जाओ, बस रुक जाओ। इंग्लिश में आप क्या करेंगे, पीछे से जाएंगे, यहां पर आपने क्या लिया राइट क्या बोलते हैं, नाइन्थ फ्रॉम राइट एंड और यहां पर एट्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब दोनों को केवल सॉल्व करिए, सुनना, तभी सीख पाओगे, अदरवाइज यहां पर बेसिक तरीके से करोगे कि क्या बोलते हैं, यहां से फिफ्टींथ के फिर यहां पर राइट फिर लेफ्ट गिनते चले जाओगे, एक बार में करना है ना तो सीखो। यहां पर आपने देखा राइट और लेफ्ट दोनों क्या हो गए यहां पर, डिफरेंट। और आपको हम नियम सिखाए थे कि अगर कभी भी डिफरेंट होगा वहां पर क्या करना है, प्लस वा करना है। तो यहां पर 9 और 8, यहां पर क्या 17, 17। और कहां से लेना है आप सभी को पता है यार, कहां से, फ्रॉम, जहां लिखा हुआ है फ्रॉम द राइट, ठीक है ना। तो यहां पर राइट से आपको 17वां लेना है। अब सुनना ये आ गया, अब चलते हैं यहां पर क्या, 15 टू द राइट, 15 टू द राइट मतलब यहां पर ले लेंगे इसके रिस्पेक्ट में क्या, 15th टू द राइट। अब जब 15 टू द राइट अगर हम लोग यहां पर ले लेंगे तो आप बताओ, जब दोनों हमारे क्या होते सेम होते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बबुआ सेम लेस, और यहां पर 17 में से 15 क्या कितना, 2 बचा, वो भी कहां से, राइट से। तो राइट से दूसरा कौन है, ई है, हमारा आंसर भी कौन है, ई है भाई साहब। इसका मतलब थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत आपको दिमाग लगाना होगा, इतना भी नहीं लगाना होगा, लेकिन ऐसे मत करिएगा कि यहां पर 9 फिर 12 फिर 15, ये सब मत करना। सिंपल है सर, पीछे से जाएंगे, पीछे के दो जो आपके ऑपरेशन है पहले उन्हें सॉल्व करेंगे। मुंह जवानी, क्या लिखा था यहां पर, नाइन्थ फ्रॉम राइट और लिखा था एट टू द लेफ्ट, दोनों क्या है, डिफरेंट है, प्लस कर दो, क्या कर दिया वहां पर, प्लस। तो 9 और 8 कितना, 17, वो भी कहां से, फ्रॉम, जिसके साथ लगा हुआ है। तो यहां पर क्या हो गया, राइट से 17, दिमाग में चल रहा है सब। अब यहां पर कौन सा बाकी है, 15 टू द राइट, मतलब यहां पर क्या, 15 टू द राइट। अब दोनों क्या है, सेम है, और सेम क्या होते हैं, लेस, 17 में 15 का कितना, 2, कहां से, वो भी राइट से। तो राइट से दूसरा क्या हुआ, ई हुआ, कहानी यो खत्म हो गया, क्लियर है। अब हिंदी में आ जाओ, अब हिंदी वाले बाबू मोशाय आ जाओ, अब हिंदी वाले बाबू मोशाय आप यहां पर आ जाओ, ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हिंदी वाले में आ जाओ। यहां पे हिंदी में क्या करना था, जो इंग्लिश में आपने लास्ट से किया वो आप हिंदी में कहां से करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। कैसे, यहां पर लिया दाएं छोर से 9वां, के बाएं से 8वें यहां पर लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा फिर इससे ऑपरेशन कर देंगे, काम खत्म। तो तीन तीन ऑपरेशन, राइट लेफ्ट लेफ्ट अगर आए तो वहां पर आप इंग्लिश में पीछे से पहले दो, फिर जो दो से रिजल्ट निकले उसका पहले वाले से, हिंदी में स्टार्टिंग से दो, जो रिजल्ट निकले उसका आखिरी वाले से, कहानी खत्म। समझ में आ गया सबको, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उड़ाएंगे उड़ाएंगे उड़ाएंगे, कम ऑन। चलिए, अगर मजा आ रहा हो क्वेश्चन में, आज ट्विस्टिंग है, ट्विस्ट है क्वेश्चन में, तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, मतलब लाइक उतने कर देना जितने मेरे दोस्त केवल यहां पर जुड़े हुए हैं, बस मुझे और किसी से कोई उम्मीद नहीं है, बाहर वालों से, आपसे है मुझे, ठीक है, कम ऑन एवरीबॉडी जितने यहां पर है। वाह क्या बात है, जबरदस्त, आज पल्लवी लेट है, हाँ क्यों पल्लवी लेट है आप आज। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्त, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन, यदि श्रृंखला के सभी अंकों को 2 से गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाता है, तो बताना है फिर सभी संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ठीक है ना। कह रहा है यहां पर क्या कि एंड ऑल नंबर्स एडेड द रिजल्टेंट इज 4। सो गाइस यहां पर बताइए फटाफट यहां पर आंसर क्या होगा। वेरी गुड, लोगों ने यहां पर तूफान मचा दिया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करना था, ऐड करना था, तो यहां पर क्या करते चले, यहां पर सीधे इसका क्या बोलते हैं इनटू 2 दिमाग में करते चलिए, है ना। 3 का यहां पर 6 हो गया और यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर 8 का यहां पर कितना हो गया, 16 हो गया। 1 का यहां पर कितना, 2 हो गया। फिर आगे बढ़े हम लोग, अब जोड़ते भी जाओ, मैं तो कहता हूं मुझे जोड़ते जाओ, लिखने की जरूरत ही नहीं। यहां पर क्या 6 हो गया, यहां पर आपका यहां पर 16, 22 हो गया, 23 हो गया। फिर आगे बढ़े यहां पर, यहाँ पर 23 और 14, यहाँ पर 30, यहाँ पर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। और फिर जब आगे बढ़े यहाँ पर 37 और यहाँ पर कितना 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 जो और दिख रहा है 9, 18। तो 37 और 18 यहाँ पर कितना, 8, 7, 15, कैरी 1, 3, 4, 1, 5, मतलब यहाँ पर कितना 55, 55, 55 भाई हमारी तरफ से 55 आ रहा है। कोई अगर अगर एक रह गया हो तो देख लो भाई, यहाँ पर 9, 8, 16, 1, 17, अच्छा 17 था यहाँ पर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वहाँ पर आपका कितना हो जाएगा,
ये आपका 38 हो गया, मतलब कितना 56 हो गया, 56 56 56, ठीक है ना, 56 वुड बी द आंसर, क्योंकि 1 को हमने वहां पर काउंट नहीं किया था, ठीक है। तो बस कुछ नहीं कर रहे हैं यहां पर हम लोग, अगर देखें तो क्या करेंगे समझिएगा, ये दिया हुआ है आपका 3, ये दिया हुआ है आप आपका 8 और ये आपका 1, ठीक है ना। और इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबको जोड़ दीजिए, सबको यहाँ पर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कहानी वहाँ पर क्या हो जाएगी, इंटू टू करके प्लस करना है, इंटू टू करके, चाहे तो आप मुझवानी कर लीजिए, चाहे आप फिर लिख करके यहाँ पर कर लीजिए, इफ़ यू आर फेसिंग ट्रेवलिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। एक में मल्टीप्लाई करना भूल गए थे तो वही जो है वहाँ पर, ठीक है, डन, 56 वुड बी द आंसर, डन, 56 वुड बी द आंसर। आगे बढ़े, अब चलते हैं यहां पर किसकी तरफ, चार लेटर से अगर अरेंज किया जाए आपका कोई भी प्रॉब्लम तो कैसे करेंगे। चलिए गाइस, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बनाइए फिर हम बताएंगे कैसे यहां पर और आसानी से किया जाए। कम ऑन एवरीबॉडी, सर म्यूजिक लगाओ, हाँ अभी बेटा डीजे भी लगवाते हैं, डीजे भी लगवाया जाएगा, अभी गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, रुको एक मिनट से एसी ऑन कर लूं, वेट। अच्छा लास्ट वाले में एक चीज और भी कर सकते थे कि सारे नंबर्स को जोड़ लेते हैं और बाद में इंटू टू कर देते हैं, वो ज्यादा एक कहीं ना कहीं सुटेबल है, वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। चलो दोस्तों यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, इफ इन ईच वर्ड द लेटर आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहता हर वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं उनको आप अल्फाबेटिकली अरेंज करिए, करने मत लग जाना, थोड़ा सा रुको, ठीक है। कहता है कि उसके बाद यहां पर कहा गया लेफ्ट टू राइट आपको ऐसा अरेंज करना है, मतलब वर्ड के अंदर, फिर कहता है देन द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब क्या करना है वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट, और डिक्शनरी ऑर्डर क्या कहता है, ए फिर बी फिर सी फिर डी समथिंग एल्स, क्लियर है बात की नहीं यहाँ पे। पूछा क्या है मुद्दा, इस पर हम लोग यहां पर गहराते हैं, विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, कहता है कौन सा वर्ड हमारा राइट एंड से तीसरा है, मतलब यहां पर कौन सा आएगा, तो चाहे तुम यहां से जाओ चाहे यहां से आओ, बात तो क्या है यहां पर बराबर है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि क्या करना है आपको, आप किसी भी पर्टिकुलर यहां पर वर्ड में जब अरेंज कर रहे हो किसी भी लेटर्स को मेरे भाई, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप उसका सबसे छोटा जो लेटर है उसको बस केवल आप गौर फरमाइए, ठीक है ना। यहां पर क्या हो गया, एच हो गया, इसमें कौन सा हमारा हो रहा है यहां पर आपका एफ, ठीक है, इसमें कौन सा सबसे छोटा यहां पर हो रहा है, बी हो रहा है मेरे भाई, फिर यहां पर कौन हो रहा है, डी हो रहा है, और यहां पर कौन, सी हो रहा है। तो हमें चूंकि क्या करना था, उसने कहा था वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सबसे छोटा यहां पर कौन है, बी से शुरू होने वाला, तो ये हो गया आपका पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर पर सी से शुरू होने वाला, और तीसरे नंबर पर मेरे दोस्तों यहां पर कहीं डी से शुरू होने वाला। सो आंसर वुड बी हियर व्हाट सर, डी एल, जब अरेंज आपने किया होगा तो क्या हुआ, डी एल एम डब्ल्यू, मतलब कि पहला वाला हमारा बिल्कुल क्या है, सही है, और सभी का सही है पहला वाला, कोई भी ऐसा नहीं जिसका सही ना हो। भैया बताओ कोई ऐसा बचा है क्या, नहीं ना, जब नहीं बचा तो चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर उड़ाएंगे, ठीक है ना। कम ऑन एवरीबॉडी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करेंगे अब, सही लगा, एसी चल रहा थोड़ा सही लगा अब। डीजे पार्टी भी लगवाते हैं डीजे बेटा तुम्हारे लिए। इफ द सेकेंड अल्फाबेट्स, इफ द, कह रहा है इफ द सेकेंड अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप, मान लीजिए इसकी बात हो रहा है, ये इसकी सेकेंड लेटर की बात हो रहा है, इज रिप्लेस्ड बाय इट्स सक्सीडिंग लेटर, इसको रिप्लेस करना है सक्सीडिंग लेटर से इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। इससे मत कर देना कि रिप्लेस कर दो तुम इससे, एल का पी से रिप्लेसमेंट कर दो, हाँ मैं कहता हूं तुम्हें चाहिए क्या। तो कह रहा है हाउ मेनी सच वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड विच विल हैव एटलीस्ट वन लेटर एम, मुद्दे की बात समझना, कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक तो हो,
इसके अलावा मतलब सेकंड के अलावा कहीं भी तुमको एम दिख रहा हो वो हमारा आंसर बनाएगा, क्योंकि सर उसको तो चेंज करना नहीं है, एटलीस्ट में वो आ गया। अब यहां पर जो एल है, एल के बाद यहां पर क्या आता है, एम आता है, ठीक है ना, ये भी हमारा आंसर हो गया। ओ के बाद एम आता है और एम है भी नहीं, हटा दो। क्या यहां पर एन के बाद एम आता है, क्या यहां पर कहीं एम भी है, नहीं सर। क्या एस के बाद एम आता है, नहीं सर। तो कितने ऐसे हैं, केवल दो ऐसे हैं जिन जो यहां पर एम लेटर रखेंगे। सो दैट्स व्हाई गाइस हमारा आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, दैट विल बी टू, काम खत्म, ठीक है ना। बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर करेंगे, कम ऑन एवरीबॉडी। ऐसे ही उसी मैम भी बोतल से पानी पीते, हम लोग को मिला है ना बोतल ये वाला, कि इसी बोतल से पानी पीना है ना। अरे एसी चला, बड़ा सही लगा, मतलब अजीब सा दिमाग हो रहा था यार, मतलब एसी में वहाँ पर बटन है और वो मैं बंद क्या बोलते हैं ऑन नहीं कर गया है, अब बंद है तो फिर मतलब आप उठ के कैसे जाएं। तो फिर जब अभी बिल्कुल मतलब नॉर्मल चिल, बढ़िया कूल लग रहा है। सो गाइज यहाँ पर कह रहा है समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है भाई साहब। इफ इन ईच वर्ड द वॉवल इज रिप्लेस बाई इट्स प्रिसीडिंग, अब समझना वॉवल जो है उसको प्रिसीडिंग मतलब पिछले वाले से बदलना है। कह रहे हैं एंड द कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स सक्सीडिंग, मतलब सक्सीडिंग का मतलब बाद में, प्रिसीडिंग का मतलब पहले। करना क्या है भाई, कहता है यहां पर विच वर्ड दस फॉर्म्ड वुड कम थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। उसने यहां पर कहा है कि आपको बताना है कि विच वर्ड दस फॉर्म्ड वुड कम थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये उसने हमसे बोला हुआ है। सो गाइस जल्दी से मुझे आंसर बताइए, वेरी गुड, यहां पर थर्ड आंसर यहां पर आप सभी का आ रहा है, ठीक है। तो चलो भाई यहां पर वॉवल माइनस वन कर रहे हैं और कौन से प्लस वन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब नहीं हो गया, ठीक है ना, थोड़ा अजीब हो गया कि नहीं हो गया यहां पर। तो कहने का मतलब इससे बनने वाले, उसने यही कहा है बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सा यहां पर आने वाला है, तो आंसर जो यहां पर हमारा आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये वाला आंसर आने वाला है, ठीक है ना। इसका क्या होगा, बस यही तो करना है। तो यहां पर वॉवल तो है नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट प्लस वन किया, एन यहां पर क्या ओ हो गया, बी यहां पर सी हो गया, टी यहां पर यू हो गया। तो बस आंसर सिंपल है, कुछ करना ही नहीं था यहां पर, ठीक है, सिंपल था आंसर, डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी, उड़ा देंगे आंसर बता देंगे। चलिए फटाफट करेंगे, कुछ भी ना करने वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आपने देख लिया, कुछ भी ना करने वाला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए करेंगे। जी सर मैम को नहीं बताना, ब्लॉक कर दिया। ये भी सही था। चलिए कहता है अब पांच के सेट में एक तो लल्लू लाल मिलेगा भाई साहब, एक तो लल्लू लाल मिलवे करेगा। इफ फर्स्ट एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ ईच ग्रुप आर इंटरचेंज, हाउ मेनी सच वर्ड्स आर फॉर्म दैट एंड विद अ कॉन्सोनेंट। सिंपल है भाई, यहां पर किसका फर्स्ट और फोर्थ को आपस में इंटरचेंज करना है। अरे फोर्थ के प्लेस पे कौन आएगा, पहला वाला आएगा ना, बस देख लो पहला वाला वॉवल है क्या, नहीं है, हटा दो, नहीं है हटा दो, नहीं है हटा दो, नहीं है हटा दो, और नहीं है यहां पर उसको हटा दो, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा व्यंजन पर उसने बोला मतलब कॉन्सोनेंट बोला है, तो ठीक है सब है, मुझे लगा वॉवल पे बोला है, मुझे लगा वॉवल पे बोला है ना। तो कॉन्सोनेंट तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, भाई मैंने कोई मिला ही नहीं यार, फिर मैंने देखा यहाँ तो उसमें व्यंजन कहा है मतलब कॉन्सोनेंट कहा है, तब तो यहाँ पर सब है, कोई ऐसा है ही नहीं जो ना हो मेरे भाई, ठीक है। तो चले गए इस आगे की तरफ बढ़ते, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाँच के पाँचों, मतलब विकल्प नंबर चार हमारा क्या होगा, सही होगा, विकल्प नंबर चार क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ गाइस, ठीक है, मैं इसको आपको दे दूंगा पीडीएफ में, आप लोग सॉल्व करिएगा, नंबर पे बेस यहां पर हम तीन से चार क्वेश्चन लेने वाले हैं, ये नंबर पे बेस है, ठीक है, डिजिट पे बेस है, क्लियर है। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, अल्लो चलो 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 कम ऑन एवरीबॉडी जल्दी से यहां पर। अरे यार मतलब यार क्या मतलब नहीं बोले, फिर नहीं करोगे लाइक, ठीक है भाई अब कहेंगे नहीं तुमसे हम यार, अब रोजाना आकर बिल्कुल शांत बैठ जाने वाले हैं, मतलब यार उम्मीद उनसे ही आदमी करता है, ठीक है। चलो फटाफट जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लगभग यहाँ पर 550 करीबन लोग देख रहे हैं, फटाफट यहाँ पर उनसे गुजारिश करूँगा एक बार जल्दी से अप्रिशिएट किया जाए, हाँ इसके लिए दिल बड़ा चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट इज ग्रेटर देन 5, मतलब कितने ऐसे नंबर है जिनमें पहले और चौथे अंक का जो डिफरेंस है ये 5 से बड़ा है। यहाँ पर 8, 2, 6 हो जाएगा, 5 से बड़ा है।
चार छः यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर लाइक डिफरेंस दो हो गया, पाँच से बड़ा नहीं है। छः और नौ यहाँ पर डिफरेंस देखा गया है, यहाँ पर तीन हुआ लेकिन पाँच से बड़ा नहीं है, तीन और एक नहीं है यहाँ पर, आठ और दो हाँ बिल्कुल है, छः मतलब पाँच से बड़ा है। कितना हुआ यहाँ पर, टू हुआ। कितना हुआ यहाँ पर, टू हुआ। अगले का जवाब देना, टाइमर के साथ दूंगा, उड़ा देना, कम ऑन। 30 सेकेंड दूंगा इस क्वेश्चन में, 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया सांभा, बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया, ताबड़तोड़ उड़ा दो अमेरिका, कम ऑन एवरीबॉडी। कोई भी आप अगर कोर्स परचेस कर रहे हैं टेस्टरीज, तो आप यहां पर Y261 कोड का यूज करेंगे। बुक्स अगर आप यहां पर ले रहे हैं, सुप्रीम की 8 बुक्स आपको पास होनी चाहिए। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आज सबसे ज्यादा डिस्काउंट है, तो ये कोड लगाना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, कहता है विद इन ईच ऑफ द नंबर द फर्स्ट डिजिट इज इंटरचेंज विद द फोर्थ डिजिट एंड सेकंड डिजिट इज इंटरचेंज विद द थर्ड डिजिट। बहुत बढ़िया। अब ये किसी एक में करके आप केवल देख लिया करो, और उससे पहले ये देखा करो भैया तुमको चाहिए क्या, तुम्हारी रजा क्या है, क्लियर है। तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट नंबर दस फॉर्म, कह रहा है लोएस्ट नंबर। अब कोई भी नंबर छोटा या बड़ा हमेशा उसके पहले प्लेस से डिसाइड किया जाता है, बोलो आया ना। तो अब ये देखो कि पहले प्लेस पे कहां से कौन आ रहा है, तो भैया फर्स्ट डिजिट और यहां पर फोर्थ डिजिट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो बस यहां पर यही तो आएगा पहले पे, तो बस इसी को केवल महाराज आप यहां पर बना लीजिए कि ये आपका, क्लियर है। अब क्या पूछा, लोएस्ट, और लोएस्ट कौन है बाबू मोशा, यहां पर वन से शुरू होने वाला, बाकी दो है, नौ है, छह है, आठ है, कौन सा, तीसरा वाला एकदम यहां पर क्या हो गया, सही हो गया। फटाफट चलिए इस क्वेश्चन में आग लगा दीजिए, ठीक है, जल्दी से फटाफट, जल्दी से, जस्ट अवेट, जस्ट अवेट, जस्ट अवेट, जस्ट अवेट, जस्ट अवेट, एक मिनट रुक जाओ, फिर मत कहना बाद में, रुक जाओ, इसको छोड़ते हैं, इसमें शायद हिंदी का कोई मिस्टेक लग रहा है मेरे को, है ना, और इसमें आ जाते हैं हम लोग, यहां पे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये पेयर वाला क्वेश्चन है, क्या है ये पेयर वाला क्वेश्चन है, और इस पेयर वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, इज दैट क्लियर। याद रखना मेरे दोस्तों कि अब हम अगली क्लास में पेयरिंग वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो अल्फाबेटिकल के सुप्रीम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। सुप्रीम लेवल मतलब हाई लेवल, क्लियर है। आपको वहां पर सिखाऊंगा मैं कैसे हम लोग यहां पर रिजल्टेंट सीरीज को निकालते हैं, कैसे हम लोग स्टेप वाले क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अगला जो सेशन हमारा है यहां पर एनालिसिस का लगा हुआ है, तो मैं यहां सेशन को विराम करूंगा, क्योंकि अगले सेशन पे हम लोग को वहां पर सबको जुड़ना है, देखना है आखिर मेंस में हमारे भाई लोग क्या करके आए, आखिर कैसा एग्जामिनर ने पेपर पूछा, इज दैट क्लियर। बाकी ये बात मेरी बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए क्लियर है दोस्तों, कि आप सभी लोगों के पास बुक्स जरूर होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। सर मार्केट में बहुत बुक मिल जाएंगी, लेकिन वो जो बुक होंगी उनमें एरर कितनी है ये हमको भी नहीं पता है और तुमको भी पता है, लेकिन अड्डा 24/7 जो R&D करके एक अपडेटेड कंटेंट को दे करके आपको जो यहां पर कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, बुक प्रोवाइड करा रहा है, दैट्स अ रियली अमेजिंग, मत छोड़िएगा मौका। अड्डा 24/7 की ऐप में जाएं, ऐप में जाने के बाद वहां पर दोस्तों स्टोर पे चले जाना, और स्टोर पे जैसे ही आप जाएंगे वहां पर चले जाना प्रिंटेड बुक्स में, और बुक्स में जाना सुप्रीम होगा, कुछ सोचना मत, ये मान लो कि पॉकेट मनी जो है हमने इसमें लगा दी, और इसको किस तरीके से यूज करना है, आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, लगा दो जान मेरे भाई, ठीक है ना, और वहां पर आप बुक के लिए कोड लगाएंगे Y261S। जितने लोग का यहां पर SBI क्लर्क मेंस, मैं बता दूं यहां पर अभी भी है भैया, आप लोग ये वाला बैच इनरोल करा लो, क्योंकि इस बैच में आपका रियल कॉन्टेंट वो मिल रहा है जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आप सभी के लिए कैप्सूल बैच, आशीष सर का कैप्सूल बैच, वो तो ये मान के चलो कि 101% आपको लेना ही लेना, अगर आपने SBI क्लर्क का मेंस देना है मेरे दोस्तों, वो तकरीबन आपको 500 प्लस का पड़ेगा, वो आप ले लीजिएगा। बैंक महापैक में सब मिलता है, कोई भी प्री का बैच, कोई भी मेंस का बैच, कोई भी ई बुक, कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी डिस्क्रिप्टिव, कोई भी इंटरव्यू, 6 मंथ केवल पड़ रहा है 2860। मेरे दोस्तों सुनो, आपको इंग्लिश के जितने भी फाउंडेशन बैच है, चाहे वो उड़ान हो, चाहे आपका इंग्लिश प्रो हो, या फिर अंग्रेजी मीडियम हो, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे कोई भी आपके फाउंडेशन बैच हो, शिखर 4.0 हो, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है ना,
चाहे वो SBI का मेंस हो, चाहे RRBPO का मेंस हो, सब आपको मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा पैकेट है जहाँ सब कुछ मिलता है बाबू मोशाय, और आप 1 ईयर का अगर लेते हैं तो 3696 का पड़ता है, और इसमें आप वसूल क्या कर सकते हैं ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो गाइज इसके लिए कोड लगाना है Y261 ओनली, बुक के लिए Y261S। टेस्ट सीरीज जब खरीद रहे हो तो वहाँ पर भी एक बार देख लिया करो कि Y261 से ज़्यादा मिल रहा है कि Y261S से, दोनों में से किसी में ज़्यादा तो मिलेगा। ठीक है पापा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लोग मिलते हैं कल फिर से सुबह 11 बजे, और आज शाम 6 बजे जुड़ना ना भूले। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन में लेने वाला हूँ, ठीक है ना, SBI क्लर्क मेंस के बियॉन्ड, आप वो भी सीखते चलो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा।